दोस्तों नमस्कार, मैं एक नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैंने जैसे ये जो है इस समय मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में नहीं बल्कि एलसीडी की लाइट की ब्लिंकिंग के बारे में बताऊंगा। ब्लिंकिंग का मतलब ये है, अगर हमारी कोई एलसीडी है, एलसीडी मॉनिटर है, मैं यहाँ टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलसीडी मॉनिटर की बात कर रहा हूँ, एलईडी मॉनिटर की बात कर रहा हूँ। एलसीडी मॉनिटर में मैक्सिमम फॉल्ट क्या आते हैं कि लाइट आती है, थोड़ी देर जलने के बाद वो बंद हो जाती है। तो ये केस हम लोगों के साथ होता है, फिर जलती है, फिर बंद हो जाती है, या कभी ऐसा होता है जल के बंद ही हो जाती है डायरेक्ट। तो उस केस में क्या करना है, हमने हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन उसका ये होता है कि एलसीडी का पैनल ओपन कर दे और उसके अंदर की जो ट्यूबें हैं ट्यूबें चेक कर ले, कौन सी सही है कौन सी ख़राब है, और वो ट्यूबें निकाल करके चेंज मार दे। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम इन्वर्टर यूज़ कर ले। अगर सपोज़ हमारी एलसीडी में चार लगे हैं तो हम दो ही लैंप वाला, मतलब ऐसा लगा करके दो लैंप वाला लगा करके चला दे, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होता, हमें पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर जैसे बाई चांस चार है और हमें एक CFL बदलनी हमारे पास ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पैनल ओपन करेंगे, एक CFL बदलेंगे जो मतलब ख़राब होगी, एक या दो का पेयर आता है, दोनों बदलती है, तो दो CFL बदल दी, फिर उसके बाद मॉनिटर चालू हो जाएगा, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया। लेकिन जैसे आपको पैनल नहीं खोलना आता, कई बार ऐसा होता है खोलते हुए टूट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, तो उस केस में हमें इस इन्वर्टर का यूज़ कर लेना है, इस इन्वर्टर का यूज़ करना है, ठीक है। ये एलसीडी में यूज़ होता है, एलईडी में नहीं यूज़ होता। एलईडी में ये वाला यूज़ होता है, ये आप देख लो इन्वर्टर, ये एलईडी के लिए है, ये एलसीडी के लिए है। अगर हमारे पास चार है, सपोज चार लैंप वाला है, तो चार लैंप वाले की जगह हम उसमें दो लैंप ही जला दे तो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं इसका आपको कनेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर देखिए, सबसे पहला नंबर इसमें दो पॉइंट होते हैं वी इन के। तो ये जैसे हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, ये नहीं लाना है लैंप, अगर ख़राब हो तो ये वाला नहीं लाना अपने को, ये वाला लाना है, ये वाला एलसीडी मॉनिटर के लिए, जो हम एलसीडी मॉनिटर यूज़ करते हैं उसके लिए, टीवी के लिए भी यूज़ होता है लेकिन ये एलसीडी मॉनिटर के लिए भी। तो एलसीडी के लिए मैक्सिमम ये यूज़ होता है, ये वाला नहीं लाना, ये एलईडी के लिए यूज़ होता है। देख लो आप, इसके साथ काफ़ी सारी कोडें मिलती है, वो लगा के भी अपना काम चल जाएगा। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है एलसीडी में, मैंने अभी तक ये लगाया, एलईडी तो मेरे पास बहुत ही कम आती है, एक आधी पीस आती है, ज़्यादातर यही आती है, एलसीडी आती है। तो एलसीडी में बताता हूँ, जैसे इसमें जो है सबसे पहले वी इन में अपने को कौन सा लेना है, सबसे पहला है वी इन, इसमें तीन, ये आपको दिख गई, एक दो और एक दो तीन चार, चार तारे हैं। तो पहली किसकी है, वोल्टेज इनपुट करना है अपने को, वोल्टेज कितना होगा, 12 वोल्टेज से लेकर 19 वोल्टेज तक का आप इनपुट कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है EN अनेबल, ये पहले वाला जो पीला वाला है वो EN करके आएगा, पहला वी इन फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा, अनेबल आएगा, तीसरा क्या होगा, आएगा अपना DIM। डिम का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करने का, एडजस्ट करने के लिए रहता है ये। इसमें मैं आपको चारों तारों के बारे में बताऊंगा। डिम का मतलब क्या होता है, एडजस्ट, जैसे ब्राइटनेस बढ़ानी घटानी उसके लिए होता है। और अपने लास्ट वाला क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड आप में से मैक्सिमम बंदों को पता होगा ग्राउंड, ठीक है। तो ये चार तारों में मैं आपको बता दे रहा, देखो सबसे पहला है वी इन में अपने को कितने वोल्टेज देनी है, 12 वोल्टेज से लेकर 19 वोल्टेज तक, ठीक है। फिर दूसरा देख लो अनेबल में कितना, 3.3 से लेकर 5 वोल्टेज तक का दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, DIM एडजस्ट, ये लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ लिखा रहता है DIM। और इसमें अगर आपको अनेबल नहीं मिल रहा है तो BL ऑन करके लिखा होगा, बैकलाइट ऑन। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, उससे आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसकी ये और ये कनेक्शन सेम है, बस ये LED में यूज़ होगा या LCD में यूज़ होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो अपने को क्या करना है, जैसे हमें BL ऑन नहीं मिल रहा है तो अपने को एक जगह वोल्टेज चेक करनी है, अगर वहाँ 3.3 आती है, अपने को मॉनिटर ऑन कर देना है, उसे उसमें कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि 15 सेकेंड बाद मतलब थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है, बैकलाइट जलना अपने आप बंद हो जाती है, जब नो सिग्नल लिखा आएगा उसकी थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। तो अपने को वोल्टेज लगा देना है, ऑन करना है, फिर उस तरह देखना है 3.3 वोल्टेज आ रही है या 5 वोल्टेज आ रही है, वहाँ अनेबल देना है, अदरवाइज़
बीएल ऑन मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो ये कंडीशन करनी है। और जैसे ही मतलब थोड़ा टाइम बीतता है तो वहाँ वोल्टेज आना बंद हो जाती है, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर जंपर मार दे। और अगर उसकी जगह अगर आपने कहीं और लगा दी बाई चांस, जहाँ आपको 5 वोल्टेज मिल रहे वहाँ लगा दी, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी LCD में थोड़ी देर तक के लिए वाइट आएगी, वाइट स्क्रीन आएगी, उसके बाद डायरेक्ट चलने लग जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी 2 या 3 सेकंड के लिए वाइट स्क्रीन आएगी। और एडजस्ट का मतलब ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का होता है, वो तो मतलब ऑटो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना करो नहीं। और उसके बाद होता है ग्राउंड, तो ये दो मैंने आपको बता दिए। इससे जो है अगली बार जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ करके कैसे हम बैकलाइट टेस्टर बनाते हैं LCD मॉनिटर के लिए। ये मैं भी यूज़ करता हूँ, देखो आपने तारे पहले ही लगी हुई है, और ये आपको इजीली किसी भी मतलब जो पहले अपने लैपटॉप आते थे जिसमें LCD यूज़ होती है उनमें भी ये निकलेगा, या काफ़ी LCD में भी मिल जाता है अगर हाँ। और दूसरा इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, इसका यूज़ जब करेंगे जब हमारे में दो बैकलाइट हो तो एक बैकलाइट ख़राब हो जाए तो ये वाला यूज़ कर लेंगे हम एक बैकलाइट की जगह, ठीक है। इसमें भी कनेक्शन सेम है, लेकिन जैसे अब दो CFL है, हम खोलेंगे बदलेंगे, क्या पता पैनल टूट जाए या सेम मिले ना मिले, वैसी लाइटें लैंप ना लाइटें ना मिले उसकी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 की जगह 1 लगाएंगे, और जहाँ 4 होगी उसकी जगह 2 लगा देंगे, तो हमारा काम बदल जाएगा। अगर 4 है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, और अगर 2 है तो 1 ही वाला यूज़ कर लोगे। और ये बहुत कम में यूज़ होता है, ये LED में ज़्यादा यूज़ होता है, LCD में यूज़ नहीं होता। अगर आप LCD में चलाओगे भी तो भी काम नहीं करेगा ये दोनों, और ये LED में काम नहीं करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगली बार इस टेस्टर के बारे में बता दूंगा मैं आपको, हो सकता है 2 या 3 दिन बाद वीडियो डालूँ, क्योंकि कल मैं मदरबोर्ड की वीडियो डालूंगा रिपेयरिंग की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें।